इस तरह से भारतीय जनता पार्टी विधिवत आज से सदस्यता अभियान चालू कर दी है और ये सदस्यता अभियान हमारा दो चरणों में चलेगा। तीसरा चरण हमारा सक्रिय सदस्यता का होगा। इस तरह से हमारे जनपद में लगभग 5 लाख सदस्य बनेंगे बहराइच जनपद में और प्रत्येक विधायक सांसद माननीय सांसद माननीय विधायक माननीय जनप्रतिनिधि पदाधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने तरीके से इन सब लोगों को कार्यशाला के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से सारी बातें तय हो गई हैं। इसके पहले हमारी 20 अगस्त को पहली जो मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी सदस्यता को लेकर और 23-24 को जिलों में हुई थी और 27-28 को मोर्चे विभाग ये सारे लोगों ने सदस्यता कार्यशाला प्रशिक्षण दिया गया था और 31 तारीख को हम 1,62,000 बूथों में प्रशिक्षण दिए हैं। इस तरह से हमारा प्रशिक्षण का काम पूरा हुआ और सदस्यता का काम चालू। सदस्यता अभियान किस लिए कराया जा रहा है? सदस्यता अभियान भारतीय हर सभी संगठन अपने अपने सदस्य बनाती है। आज 14 से पहले विश्व की सबसे बड़ी संगठन राजनीतिक पार्टी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पहली बार विश्व की सबसे बड़ी संगठन और राजनीतिक पार्टी बनी। आप भी पत्रकार हैं, आपका एसोसिएशन बनता होगा, उसमें भी आप लोग सदस्यता कराते होंगे और राजनीतिक दल में जब तक सदस्य नहीं होंगे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी आप लोगों ने सुना होगा। आपने सदस्यता अभियान शुरू किया है जी, उधर अखिलेश जी ने कहा है 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है और जितने प्रदेश के बुलडोजर हैं सब गोरखपुर भेजे जाएंगे। वो तो समय बताएगा। इनके सरकारों में जिस तरह से व्यापारियों से और अधिकारियों से उसूली चलती थी ये कहीं छुपा नहीं, घर बैठे उसूली होती थी। उनके गुंडे घरों में कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों को बुलाकर उसूली करते थे, ठेकेदारों से वसूली करते थे, थानों में बैठकर थाना चलाते थे। आज जो गुंडागिरी करता है वसूली करता है और अनावश्यक किसी को परेशान करता है और अगर हत्या करता है बलात्कार करता है तो सीधे उसके घर में बुलडोजर चलता है और ये बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। जनता को पसंद है और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा है और कोरोना काल से आज तक सतत जनता को राशन दिया जा रहा है। जो भी योजना चालू होती है, अभी आपको एक उदाहरण दे दूँ, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा चालू हुई थी। ऑनलाइन शिक्षा के समय ये हुआ था कि गरीब लोगों के पास टेबलेट और स्मार्टफोन नहीं है। उस दिन से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सबको स्मार्टफोन या टेबलेट देने का काम किया, आज तक लगातार जारी है। इसके पहले अखिलेश जी ने कहा था कि टेबलेट देंगे और अपने चिन्हित जगहों में दिया और पहली बार बांटा, उसके बाद से बंद कर दिया। आज जाकर पता कर लीजिए, योगी जी जो कोरोना काल में चालू किए थे टेबलेट देना ऑनलाइन गरीब लोगों के लिए कि गरीब लोग भी शिक्षा से वंचित ना रहे, आज भी चल रहा है। जितनी हमारी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जन जो भी हमारा कार्यक्रम चालू होता है वो लॉन्ग लाइफ है और लगातार चलता रहता है, उसको बीच में बंद नहीं किया जाता है। और सुशासन का राज है, अंत्योदय विकास का राज है, इससे अच्छा राज और क्या हो सकता है। भेड़ियों का आतंक बहुत अच्छा, भेड़ियों का आतंक देखिए, वो भी भेड़िए आज से नहीं है, जवाने से भेड़ियों का आतंक रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी पार्टी के विधायक, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इतने सजग हैं जो गांव-गांव जाकर जागरूक कर रहे हैं और उन भेड़ियों को पकड़ने का काम ही हो रहा है। हमारे मंत्री लोग कैंप कर रहे हैं, हमारे विधायक कैंप कर रहे हैं, हमारे सांसद कैंप कर रहे हैं, हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं और उससे निजात पाया जाएगा। हुसैन जी, विधायक खुद FIR दर्ज करा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है और उनको मेरी हत्या हो सकती है और उनको असुरक्षित। वो देखिए, कहीं उनको लगा होगा कि जो उनको गनर है किसी विशेष समुदाय से जुड़ा होगा, विशेष लोगों से जुड़ा होगा, इसलिए वो बोल दिए। आपकी सरकार में आपके अफसर ही जनप्रतिनिधियों को उतना सम्मान नहीं करते हैं। हमारी सरकार में सारे अफसर, सारे कर्मचारी और हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार भी चल रही है, संगठन भी चल रहा है। एक बड़ा सवाल है, महसी क्षेत्र में इसमें पूरा भारत चर्चा में है, महसी इलाका है
और वहाँ पर 80% घरों में दरवाजे नहीं हैं। आप बात करते हैं कि डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो परिवार दरवाजे ना होने कारण अपने बच्चों को गंवा चुके हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सख्त निर्देश है, जिनके आवास नहीं है उनको आवास दिया जाएगा, और जो अधिकारी जो कर्मचारी लापरवाही करेगा, आप नोट कर लीजिए, 2025 आते आते कोई भी आपके ये बहराइच जिले में ऐसा व्यक्ति पात्र व्यक्ति नहीं बचेगा जिनको आवास नहीं हो जाएगा।